स्टूडेंट्स स्टडी ट्रेंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी का टीचर और हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि कैसे फूड जो है बगल कैविटी में आता है और उसका थोड़ा जो स्टार्च है उसका थोड़ा सा वहाँ पे डाइजेशन होता है। तो देखिए इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे पूरी जितने भी डाइजेशन के सिस्टम है पूरी हम इसे कवर कर लेंगे आज। तो देखिए फूड जो है फर्स्टली अगर कल वीडियो अगर इसकी पिछली लेक्चर देखी होगी तो आपको पता होगा कि फूड जो है बगल कैविटी में आता है और यहाँ पे जो सैलिवरी माइलेज है इसके द्वारा जो उसका स्टार्च है उसको माल्टोज में चेंज किया जाता है। उसके बाद फूड जो है आगे आता है ओसोफोगस में। अब आप सोचिएगा कैसे आगे आता है भाई। तो देखिए आप महसूस करते हो जब खाना खाते होंगे तो आपको लगता है कि खाना अपने आप अंदर जा रहा है, आप उसे ठेल नहीं रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा तो धीरे धीरे अपने आप अंदर चला जाता है। तो इस ये जो होता है ये एक मूवमेंट के चलते होता है जिससे हम लोग कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो उसके लिए क्रमानुकंचन गति पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। इससे क्या होता है ना, समझिए हमारा फूड पाइप एलिमेंट्री कनाल है, ठीक है, यहाँ पे फूड है हमारा, हमने खाया, ये थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे क्या होगा कि जो इसका पीछे वाला एरिया रहेगा ये क्या होगा थोड़ा सिकुड़ जाएगा जिससे क्या होगा फूड पे प्रेशर बनेगा नीचे जाने की और जो आगे का जो ट्यूब है वो थोड़ा वाइड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो फूड है वो धीरे धीरे आराम से नीचे आ जाएगा ओसोफोगस में। तो ये धीरे धीरे कहाँ आएगा, स्टोमक में आएगा, ठीक है। तो फूड आया स्टोमक में, देखिए अब स्टोमक और फूड आ गया तो कुछ होता है कि जैसे स्टोमक फूड आ गया तो फूड को वापस उसको फूड पाइप में नहीं जाना होगा क्योंकि फूड पे जाए फूड पाइप में अगर जाने लगा जो फूड है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सीएल भी बाहर निकलने लगेगा स्टोमक से। तो क्या होता है कि यहाँ पे ओसोफोगस और स्टोमक के जो जहाँ पे होता है यहाँ पे एक मसल्स होता है जिसे कहते हैं हम लोग स्पिंचर मसल। स्पिंचर मसल ये क्या करता है कि जो फूड अंदर आया तो आ तो गया लेकिन अब बाहर नहीं जा सकता। ये मसल क्या करता है जब फूड अंदर जाता है तो ये क्लोज हो जाता है तो इससे जो फूड जो स्टोमक में है वो बाहर निकल कर नहीं जा सकता है। तो उससे क्या होगा जो फूड है वो फूड ओसोफोगस में आगे नहीं जा पाएगा। तो इससे हम लोग स्पिंचर मसल कहते हैं। तो फूड आया स्टोमक में, स्टोमक में आया तो यहाँ से स्टोमक में कुछ इनर सेल में कुछ सेल होते हैं जो कि कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं। तो पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस इनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। किसके द्वारा, स्टोमक के जो इनर सेल उनके द्वारा। क्या क्या, पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। पेप्सिन का क्या वर्क होता है, पेप्सिन जो होता है ना प्रोटीन पे वर्क करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को, ठीक है। एचसीएल क्या वर्क होता है, एचसीएल का बहुत ही अच्छा बहुत ज़्यादा वर्क होता है। यहाँ पे एचसीएल क्या करता है कि फूड जो आ रहा है उसको ये एसिटिक मीडियम में चेंज कर देगा, एसिडिक मीडियम में। देखिए जो पेप्सिन होता है, हमने बात किया पेप्सिन एंजाइम के बारे में, तो जो पेप्सिन होता है वो एसिडिक मीडियम में ही अच्छे से वर्क कर सकता है, ठीक है। जो फूड आ रहा है तो उसको एसिडिक मीडियम में चेंज करने के लिए जो HCl है यहाँ पे फूड को एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है। HCl का जो pH होता है, pH बैलेंस होता है वो 1.5 के करीब में होता है तो ये करता है फूड को बोलता है एसिडिक में चेंज कर देता है। इसके अलावा जो HCl है वो क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया आया, देखिए यहाँ पे जो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि जो सैलिवरी माइलेज उसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है एंजाइम, वो भी क्या करता है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है बट पूरी तरह से नहीं, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया बाकी रह जाते हैं। तो जो HCl है वो करता है जितने बैक्टीरिया हैं छोटे छोटे उन सबको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है बट बहुत सारे बैक्टीरिया को क्या करता है ये डिस्ट्रॉय करता है क्योंकि जो उसका पीएच बैलेंस है बहुत ज़्यादा है, 1.5 है। तो ये इसका दो इम्पोर्टेंट वर्क है HCl का। देखिए म्यूकस का क्या वर्क है, यहाँ पे म्यूकस भी एक सीक्रेट होता है। HCl क्या होता है, मैंने भी बताया आपको कि HCl जो होता है वो 1.5 के pH होता है। HCl क्या करता है जो भोजन है उसको गला देता है ताकि जो पेप्सिन उस पर अच्छे से वर्क कर सके। अब आप सोचते होंगे जब HCl इतना खतरनाक है कि वो भोजन को भी गला सकता है तो आपके सिंपल स्टोमक को भी गला सकता है, अंदर से गला सकता है ना, तो इसके लिए म्यूकस सीक्रेट किया जाता है हमारे स्टोमक के इनर सेल के द्वारा, म्यूकस सीक्रेट किया जाता है। ये क्या करता है स्टोमक के इनर लाइनिंग में इनर वॉल पे एक लेयर बना लेता है म्यूकस जो जिससे क्या होता है कि जो HCl है वह स्टोमक को नहीं गला सकता है। म्यूकस करेगा जो स्टोमक का जो इनर वॉल होगा उस पर एक लेयर बना लेगा जिससे जो HCl है वो उस पर वर्क नहीं कर पाएगा, स्टोमक को जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा हमारे। देखिए बहुत बार होता है ना कि हम लोग बहुत दिन से अगर खाना नहीं खाते हैं, उपवास पर रहते हैं, फास्टिंग पर रहते हैं, तो क्या होता है कि जो HCl है बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट हो जाता है, क्योंकि अब तो खाना आप खा नहीं रहे हैं बट आपका जो रिदम है उससे क्या होता है कि जो HCl है वो क्या होगा बार बार सिक्रेट होते रहेगा खाने के टाइम पे। लेकिन अब खाना खा नहीं रहा है तो HCl का यूज हो नहीं रहा है, लेकिन म्यूकस क्या होगा, म्यूकस उतनी मात्रा में सिक्रेट नहीं हो पाएगा, तो उससे क्या होगा जो आपके पेट में है वो एक तरह से वाउंड हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं लोग पेप्टिक अल्सर। आपने सुना होगा कि जो भी फास्टिंग पर रहते हैं काफ़ी दिन, अगर वो फास्टिंग पर रहें तो उनके पेट में दर्द होने लगता है, तो ये क्या होता है पेप्टिक अल्सर चलते होते हैं, क्योंकि उस टाइम म्यूकस जो है वो उतनी मात्रा में सिक्रेट नहीं हो पाता है, लेकिन HCl जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट हो गया रहता है, तो HCl करता है स्टोमक के इनर वॉल पे अपना वर्क करने लगता है, रिएक्शन करने लगता है, और यहाँ पे पेप्टिक अल्सर एक जैसी एक डिजीज को उत्पन्न करता है ये HCl। तो इसलिए हम लोग को टाइमली खाना खाते रहना चाहिए जिससे कोई HCl की तरह कोई दिक्कत ना हो। तो हमने देखा स्टोमक के बारे में, तो देखिए फूड आया स्टोमक में, इस स्टोमक में आया तो यहाँ पे तीन तरह के एंजाइम सिक्रेट हुए हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, HCl क्या करता है फूड को एसिडिक मीडियम में चेंज करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और फूड को गला देता है, ठीक है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो HCl जो डिस्ट्रॉय कर सकता है स्टोमक के वॉल को उसको ये प्रिवेंट करता है। तो जिसको भी नोट करना हो कर लीजिए, फिर जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब फूड जो है स्टोमक में काफ़ी हद तक टूट चुका है, काफ़ी पतला हो चुका है, क्योंकि यहाँ तक उसके पास बहुत ज़्यादा एंजाइम लिक्विड जो है मिल चुके हैं भोजन में, तो उससे क्या जो फूड है बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है, थोड़ा पतला हो चुका है। अब ये आता है यहाँ पे, इसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पे पैंक्रियाज द्वारा पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट किया जाता है और गॉल ब्लैडर द्वारा बाइल जूस सीक्रेट किया जाता है। फूड अब स्टोमक से बाहर निकल चुका है और वो कहाँ आया हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है, ठीक है। अभी शुरुआत में ही है, यहाँ पे पैंक्रियाज द्वारा पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट किया जाता है और गॉल ब्लैडर द्वारा बाइल जूस, और इंटेस्टाइन द्वारा इंटेस्टिनल जूस। तो चलिए इसे हम जानेंगे। देखिए पैंक्रियाज में जो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट किया जाता है इसमें तीन तरह के एंजाइम होते हैं, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो हम देखते हैं कि इस एंजाइम के क्या फंक्शंस होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस जो है, यहाँ हम समझते हैं पैंक्रियाटिक जूस जो है, सॉरी जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है वो क्या करता है, जो ये वर्क करता है किस पे, कार्बोहाइड्रेट पे, कार्बोहाइड्रेट पे। जो ट्रिप्सिन है वो वर्क किस पे करता है, प्रोटीन पे। और जो लाइपेज है वो वर्क किस पे करता है, फैट पे, ठीक है। तो पैंक्रियाज द्वारा तीन एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है तो ये प्रोटीन पर वर्क करता है, और लाइपेज क्या करता है तो ये फैट पर वर्क करता है, और उन्हें ये सिंपल कंपाउंड में तोड़ते हैं। देखिए गॉल ब्लैडर जो बाइल जो सीक्रेट किया जाता है ये किस लिए किया जाता है, तो हम जानेंगे कि गॉल ब्लैडर जो बाइल जो सीक्रेट किया जाता है उसका पीएच बहुत हाई होता है, पीएच का 7.5 से 7.8 के करीब में होता है, और इससे क्या होता है कि जो पैंक्रियाटिक जूस है और इंटेस्टिनल जूस है ये क्या करते हैं, ये जो है एसिडिक मीडियम पे वर्क नहीं कर सकते हैं। अगर फूड एसिडिक मीडियम में आ रहा है तो इस पर ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो जो गॉल ब्लैडर जो बाइल जूस सीक्रेट किया जाता है वो क्या करता है कि जो फूड जो एसिडिक मीडियम से आ रहा है, कहाँ से, स्टोमक से, उससे ये अल्काइल मीडियम में चेंज कर देता है, अल्काइल मीडियम में चेंज कर देता है। तो उससे क्या होता है जो पैंक्रियाटिक जूस और जो इंटेस्टाइनल जूस है वो इस पर अच्छे से वर्क कर पाएंगे। उसके अलावा ये क्या करता है कि फैटी एसिड, फैट पे भी ये वर्क करता है, ये जो होता है बाइल जूस ये फैट पे वर्क करता है और फैट को ये सिंपल कंपाउंड में तोड़ देता है। यहाँ पे वर्क हो रहा है, लाइपेज पे द्वारा भी वर्क हो रहा है, फैट पे याद रखिएगा कंपाउंड द्वारा इसे तोड़ दिया जाता है फैट को। तो गॉल ब्लैडर जो द्वारा जो बाइल जूस सीक्रेट किया जाता है उसका दो वर्क होता है, पहला वर्क होता है जो एसिडिक मीडियम में जो फूड आ रहा है उससे ये अल्कलाइन मीडियम में चेंज कर देता है, और दूसरा जो होता है फैट को ये सिंपल कंपाउंड में चेंज कर देता है। अब देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो चुका है फूड, यहाँ तक हो चुका है, अब फिर फूड आया इंटेस्टिनल में, थोड़ा और आगे बढ़ा तो यहाँ पे होता है एक ब्रूनर्स ग्लैंड, इनके द्वारा इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट किया जाता है। किसके द्वारा, ब्रूनर्स ग्लैंड के द्वारा। ब्रूनर्स ग्लैंड में जो इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट किया जाता है, यहाँ पे भोजन को लास्ट टाइम डाइजेस्ट किया जाता है, मतलब यहाँ पे जो है फूड पूरी तरह से कंप्लीटली सिंपल कंपाउंड में टूट जाते हैं। किनके द्वारा, इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा। यहाँ तक तो इनका वर्क हुआ, बट यहाँ तक ये पूरी तरह से सिंपल कंपाउंड नहीं टूटे थे, जिससे वो हम जो बॉडी है वो ऑब्जर्व कर पाए। पर जो इंटेस्टिनल जूस है इसके द्वारा जो जितने भी कंपाउंड आते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन या फैट हो, वो क्या करते हैं सिंपल कंपाउंड में चेंज कर देता है, तोड़ देता है उन्हें। तो ये करता है जो कार्बोहाइड्रेट आया उसे ये चेंज कर देता है ग्लूकोज में, या फिर फ्रक्टोज में, या फिर लैक्टोज में। ये सिंपल कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट के, बहुत सिंपल कंपाउंड है जो हमारी जो बॉडी ऑब्जर्व कर सकती है। जो प्रोटीन आया उसको ये तोड़ देता है अमीनो एसिड में, ठीक है। और जो फैट था जो वसा था, फैट था, उसको ये तोड़ देता है किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो देखिए इंटेस्टाइनल जूस द्वारा जो होता है फूड को लास्ट टाइम और कंप्लीटली इसको सिंपल कंपाउंड में तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो फूड है वो बॉडी में अच्छे सब्जॉर्ब अब हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो यहाँ तक तो भाई क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्या हुआ, फूड जो है पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि फूड जो अब अब्जॉर्ब कैसे होगा। तो जिसको भी नोट करना है कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। मैं इसे रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। चलिए, तो फूड अब यहाँ तक कंप्लीट डाइजेस्ट हो चुका है, कहाँ तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अब फूड जो है एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। कैसे एब्जॉर्ब होगा, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में इनर वॉल में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिससे हम लोग कहते हैं विलाई। ये कुछ ऐसे होता है, ऐसे इसमें, और इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारी जो है ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। फूड आता है इसके द्वारा पास होता है तो जितने भी ब्लड है, ब्लड कैपिलरी है, वो जितने भी स्टार्च हो गया, सॉरी ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड को ये ब्लड में मिक्स कर लेते हैं। और बाकी जो भी वेस्ट फूड है जिसमें अब कोई कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन बाकी नहीं रहा, वो आगे की तरफ चला जाता है। तो जो बिलाई है वो फूड को एब्जॉर्ब करती है, फूड में जितने भी कंपाउंड है उनको क्या करती है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है। अब यहाँ से ये फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुका है किसके द्वारा, विलाई के द्वारा। ये कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पे। अब फूड किसके द्वारा, विलाई द्वारा एब्जॉर्ब हो चुकी है और जो फूड है ब्लड में मिल चुका है। और ब्लड क्या करता है, पूरे फूड को जितने भी कंपाउंड है, ग्लूकोज हो गया या फिर अमीनो एसिड को, ये पूरे सेल में ले जाके ट्रांसफ़र कर देता है। जिसे सेल है इसका यूज करके सेल को फॉर्म करने में, या फिर सेल को, अगर सेल डिस्ट्रॉय हो गया तो उसको रिपेयर करने में, या फिर बोन को, सॉरी बोन को नहीं, तो ये बोन को भी, बोन को ये रिपेयर करने में या फिर बोन को और ज़्यादा फॉर्म करने में, बोन सेल को और ज़्यादा फॉर्म करने में इसका यूज करती हैं। तो फूड एब्जॉर्ब हो गया, एसिमिलेट भी हो गया, एसिमिलेशन भी हो चुका है फूड का जो भी कंपाउंड थे। अब फूड जो है आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, किसके द्वारा आता है, सिक्कम में। अगर आपने फिगर को देखा होगा तो डायग्राम को, तो सिक्कम के द्वारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी विलाई होती हैं, बट ये फूड को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, ठीक है। ये क्या करती है, जितना ही पानी आ रहा है, जितने भी फूड में, जो भी फूड जो आया, क्योंकि देखिए यहाँ तक आने में जो फूड है उससे बहुत ज़्यादा लिक्विड हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा हो तो सैलिवा मिला, यहाँ पे HCl और बहुत सारे एंजाइम मिला, तो सभी मिक्स होकर बहुत ज़्यादा पतला हो गया था। तो यहाँ पे जब आया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि फूड में जितने भी वाटर कंटेंट है उनको सभी एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी लिक्विड फॉर्म में है, जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो इनको क्या करता है, ये ऑब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से ऑब्जॉर्ब कर लेता है। इससे क्या होता है, जो भी फूड हैं अब बहुत ज़्यादा, अब उतने थिन नहीं रहे, अब उतने ज़्यादा पतले नहीं रहे, अब थोड़े ये सख्त हो चुके हैं। तो अब ये यहाँ रेक्टम में, रेक्टम जिसे हम लोग हिंदी में, सॉरी रेक्टम में आए, और फिर यहाँ ये, इसके बाद ये एनस द्वारा इसका एग्जेशन हो जाता है। तो फूड अब एग्जेशन हो चुका है, फूड का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उनको सबका एग्जेशन हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे फूड बकल कैविटी में आता है, फिर एनएस द्वारा ये एग्जेशन हो जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। फूड आता है, फूड आता है, फिर यहाँ पे बकल कैविटी में इसे चबाया जाता है। यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड द्वारा सैलिवा सेक्रेट किया जाता है, जहाँ पे इसका जो स्टार्च है वो माल्टोज में चेंज हो जाता है। फिर ये आगे बढ़ता है ओसोफेगस में। यहाँ पे एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको याद हो तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसका जो फूड है वो नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आया फूड, स्टमक में आया। यहाँ पे तीन तरह के एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। इनका वर्क, ये अपने वर्क करते हैं। फिर ये नीचे आता है। यहाँ पर जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन इंटर करता है तो यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के द्वारा और इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा इस पर वर्क किया जाता है। इंटेस्टाइनल जूस जो है वो ब्रूनर्स ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। उसके बाद भोजन फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है पूरी तरह से। उसके बाद इसको ब्लड कैपिलरी में भेज दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड में सेंड कर दिया जाता है, जिससे जो पूरे जो भी कंपाउंड थे उनका अच्छे से एसिमिलेशन हो जाता है। उसके बाद फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, जहाँ पे जितने पानी होता है, पानी कंटेंट होता है, उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और फूड, अब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम में आता है और टाइम टू टाइम एनएस द्वारा एग्जेशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में देखा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अच्छी लगी वीडियो तो, और देखने धन्यवाद।